नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी के दौरे पर रहे सूबे के मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत की तेहरवी में हुए शामिल, श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम तीरथ को लिखा पत्र, बढ़ते कोरोना पर जताई चिंता, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को हर संभव सहयोग देने की कही बात। रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 कोरोना संक्रमितों की मौत, सीएम ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। लक्सर में सरकारी अस्पतालों में खास इंतजाम की खुली पोल, निजी अस्पतालों में मरीजों की भरमार, बिना कोविड जांच के लोगों का हो रहा इलाज। बासपुर में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने कब्रिस्तान में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। हरिद्वार में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी खड़ी ट्रक में भीषण आग, मौजूदा लोगों में मची भगदड़, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, ट्रक पूरी तरह जलकर हुआ राख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर से, लक्सर से जो आ रही है, जहां कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के लिए मरीज भटक रहे हैं। लक्सर से खबर, जहां कोविड रिपोर्ट के लिए मरीज भटक रहे हैं, सरकारी अस्पताल में नहीं हो रही है जांच, जांच न होने से मरीज परेशान हैं, सड़कों पर बिलखने को मजबूर हैं परिजन। लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां जांच न होने से मरीज परेशान हैं, जो परिजन हैं वो परेशान हैं, परिजन सड़कों पर बिलखने को मजबूर हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत को सेवा इंटरनेशनल संस्था की ओर से 5 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स भेंट किए गए। इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स का उपयोग महंत इंद्रेश अस्पताल द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के सभागार में सेवा इंटरनेशनल संस्था की ओर से मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स प्रदान किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, ये मुश्किल समय है, हम सभी को मिलकर काम करना है, सरकार कोविड को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के डॉक्टर यशवीर दीवान ने बताया कि इन कंसेंट्रेटर्स का उपयोग अस्पताल में मरीजों के इलाज में किया जाएगा। इस अवसर पर सेवा इंटरनेशनल के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक तनुज पुंडीर, शशांक नेगी उपस्थित रहे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही उत्तराखंड में, जहां पर जो केसेस की संख्या है वो 24 घंटे में 7,783 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 127 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। अब तक रिकॉर्ड यह आंकड़ा है, जहां 127 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 37,027 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उत्तराखंड से खबर बता रहे हैं, जहां 24 घंटे में कोरोना से 7,783 नए संक्रमित केस आए, वहीं 24 घंटे में 127 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। राज्य में कोरोना के 59,526 एक्टिव केस हैं, वहीं 37,027 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पिछले 24 घंटे में 7,783 नए केस आए हैं, वहीं 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा 127 पहुंच गया है। सुबह के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उत्तरकाशी दौरे पर रहे, इस दौरान वो दिवंगत गंगोत्री विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत की तेहरवी में शामिल हुए। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा संगठन मदन कौशिक, गणेश जोशी, जिले के प्रभारी मंत्री मनवीर चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी ने विधायक के परिजनों से मुलाकात की और परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। कोरोना महामारी के चलते मातली हेलीपैड पर जिला अध्यक्ष रमेश चौहान के साथ कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता ही सीएम की अगुवाई के लिए पहुंचे थे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही स्वर्गीय गोपाल रावत के नाम पर कोई बड़ी घोषणा करेगी।
खबर नैनीताल से है, जहां राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल इन दिनों अपने निजी दौरे पर नैनीताल में हैं। इस दौरान कपिल सिब्बल ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमण के चलते देश में हालात बेकाबू हो रहे हैं, जिन पर काबू पाने में केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है। नैनीताल के मुक्तेश्वर पहुंचे कपिल सिब्बल का कहना है कि देश में कोरोना वायरस के चलते करीब 20,000 मौत प्रति सप्ताह हो रही हैं। इसके बावजूद भी संक्रमण को नियंत्रित करने में सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार के द्वारा अस्पताल में भर्ती लोगों के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत बेड की कोई उचित व्यवस्था नहीं है और रोजाना सरकार की नाकामियों के चलते हजारों लोगों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। ना उचित नहीं है जी, और उनके परिणामों के बारे में बात करना भी उचित नहीं है। जिस देश में जिस तरह से महामारी चल रही है, जिस तरह से हमारे लोग बिना ऑक्सीजन के उनकी मृत्यु हो रही है, जिस तरह से अस्पतालों में बेड्स नहीं है, और पिछले दो हफ्तों में लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इस समय चुनाव की बात करना या उनके परिणामों की बात करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। वो वक्त जब आएगा तब करेंगे। खबर देहरादून से है, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ सुझाव मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर दिए हैं। इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस की ओर से कई सुझाव दिए गए तो सरकार की खिंचाई भी की गई। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को हर संभव सहयोग देने की बात कही गई है। प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री को कहा कि प्रदेश में तीरथ सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम और संक्रमित मरीजों को समुचित इलाज दे पाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। प्रीतम सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थितियों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में कोरोना से होने वाली मौतों की दर देश की राष्ट्रीय औसत से भी अधिक पहुंच गई है। उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि 45 वर्ष उम्र से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 3,00,000 वैक्सीन उत्तराखंड पहुंच गई हैं। साथ ही 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से वैक्सीन कंपनी को दिए गए हैं। जल्द ही 1,22,000 कोविड के टीके उत्तराखंड को मिलेंगे। रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें 1 वेंटिलेटर और 4 ऑक्सीजन बेड पर थे। अस्पताल में कोविड के 85 मरीज अपना इलाज करवा रहे थे। इस मामले के उजागर होने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही तय हो पाएगा कि मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है या दूसरे कारण थे। जानकारी के मुताबिक देर रात डॉक्टरों ने मरीजों के तीमारदारों को बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और वे लोग अपने मरीजों को कहीं और ले जाएं, जहां ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। वहीं अस्पताल की ओर से इस प्रकार की बात सुनकर परिजनों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और उन्होंने अपने स्तर से भी भागदौड़ शुरू कर दी। वहीं बताया गया कि रात करीब 2 बजे ऑक्सीजन खत्म हुई तो कुछ लोगों के प्रयास से छोटे ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम अस्पताल प्रबंधन ने किया और मरीजों को ऑक्सीजन देने का प्रयास भी किया, लेकिन रात करीब 3 बजे तक ये ऑक्सीजन भी समाप्त हो गई। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन भी ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाया। गहनता से भी गंभीर घटना रिपोर्ट की गई है, इसमें गहनता से जांच की जाएगी। इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की गई है, जिसमें हमारे साथ साथ एक पैनल मेडिकल एक्सपर्ट्स भी 2 लोग रखे गए हैं। तो इसमें सभी तथ्यों की गहनता से जांच करते हुए सारे तथ्यों को उजागर किया जाएगा और जिस भी स्तर पर खामियां लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात क्षेत्र में कोरोना फुल स्पीड पर है। लक्सर और उसके आसपास के इलाकों में हर रोज कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमितों की मौत का सिलसिला भी जारी है। पिछले एक सप्ताह के भीतर कोरोना से आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 200 से भी अधिक लोगों ने कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा वायरल और खांसी जुकाम के मरीजों के भी बाढ़ सी आ गई है। वहीं सरकारी अस्पतालों में खास इंतजाम न होने के कारण लोगों को निजी अस्पतालों में अपने मरीजों का इलाज कराने को
मजबूर होना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ के चलते मरीजों को अस्पतालों की गैलरी और गेट के बाहर भी लिटाकर बिना कोविड जांच के भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। बुखार की वजह से यहाँ भर्ती कराया था, अब हम उनकी जांच को भटक रहे हैं। उनकी जांच ना तो नए ब्लॉक में हुई, ना पुराने ब्लॉक में हुई, ना कोई आरटीपीसीआर करने वाला है, ना कोई एंटीजन करने वाला है। कहाँ कौन से कोविड जो ये बना रखे है, जो कोविड के जो हॉस्पिटल बना रखे हैं, इनको भर्ती कैसे कराऊँ हम, जब तक हम जाँच नहीं करवाने के। और जाँच करवाने की कहीं हम भटक लिए, सारा दिन भटक लिए, नए हॉस्पिटल में गए और पुराने ब्लॉक में गए, सारे में चले गए। सभी जगह जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग एडमिट हैं उनके हम लोग कोविड की जांच करा रहे हैं, एंटीजन करा रहे हैं और उनका आरटीपीसीआर करा रहे हैं, सबको आगाह कर रहे हैं उनके हर एक मैनेजर को, डॉक्टर साहब को, कि जब तक भी किसी के पास कोई एंटीजन रिपोर्ट ना हो या कोविड की निगेटिव रिपोर्ट ना हो तो उसको भर्ती कर तक उसको देख करके करें, उसके सिम्टम पर करें। दूसरा हमारा ये है कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, उस अस्पताल में डेथ हो गई, यहाँ डेथ हो गई, कुछ लोग ऐसे र्यूमर फैला रहे हैं जो हम लोगों ने बाद में तथ्य पाया कि वो गांव में डेथ हुई, लोग छिपा रहे हैं। हमारा सभी से ये कहना है कि किसी को बुखार खांसी कुछ भी हो रही है, अस्पताल में आइए, तुरंत अपनी जांच कराइए और अपने को आइसोलेट रखिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं, जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं, आप घर बैठे www.esanjeevniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं, अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां कोरोना की दूसरी लहर फुल स्पीड पर है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना से 6 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से भी अधिक लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा वायरल और खांसी जुकाम के मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। सरकारी अस्पतालों में खास इंतजाम न होने के कारण लोगों को निजी अस्पतालों में अपने मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ के चलते मरीजों को अस्पतालों की गैलरी और गेट के बाहर भी लिटाकर बिना कोविड जांच के भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी दावे पूरी तरह हवा हवाई हैं। कुछ तीमारदारों ने बताया, कई मरीजों का एंटीजन व आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो पा रहा, जिसके चलते वे सरकारी अस्पताल और कोविड जाँच केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग एडमिट हैं उनके हम लोग कोविड की जांच करा रहे हैं, एंटीजन करा रहे हैं और उनका आरटीपीसीआर करा रहे हैं, सबको आगाह कर रहे हैं उनके हर एक मैनेजर को, डॉक्टर साहब को, कि जब तक भी किसी के पास कोई एंटीजन रिपोर्ट ना हो या कोविड की निगेटिव रिपोर्ट ना हो तो उसको भर्ती कर तक उसको देख करके करें, उसके सिम्टम पर करें। दूसरा हमारा ये है कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, उस अस्पताल में डेथ हो गई, यहाँ डेथ हो गई, कुछ लोग ऐसे र्यूमर फैला रहे हैं
जो हम लोगों ने बाद में तथ्य पाया कि वो गांव में डेथ हुई, लोग छिपा रहे हैं। हमारा सभी से ये कहना है कि किसी को बुखार खांसी कुछ भी हो रही है, अस्पताल में आइए, तुरंत अपनी जांच कराइए और अपने को आइसोलेट रखिए, ये हमारा उद्देश्य है। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में बारात आने से पहले लड़की वालों के द्वारा आयोजित समारोह में मानक से अधिक भीड़ उपस्थित थी। सूचना मिलने पर एसपी काशीपुर प्रमोद कुमार और आईटीआई थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचे। इस दौरान सत्यम पैलेस में पुलिस की मौके से सैकड़ों की संख्या में लोग मिले। इस दौरान पुलिस ने आयोजक और पैलेस मैनेजर के खिलाफ धारा 144 के तहत भीड़ जुटाने को लेकर कोविड नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान मौके पर मौजूद अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करना है। शादी विवाह समारोह में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। जब हम इधर से गुजरे तो देखे कि शादी में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। जब उधर के देखा गया तो भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, जबकि अनुमान्य संख्या जो है 50 से अधिक नहीं होती थी। तो यहाँ तो तकरीबन जो है 150-200 आदमी से भी अधिक संख्या में उसको ठीक मौजूद थी। उनको जो थाना पुलिस को कॉल किया गया, थाना पुलिस भी आ गई है और मौके पर पूरी गिरफ्तारी कर ली गई है। और अब जो पक्ष है, तो ये पहले घर के मालिक है उनके खिलाफ, और जो दूसरा पक्ष है यहाँ से जिसके द्वारा शादी ऑर्गेनाइज की जा रही थी, तो उसके ऊपर भी जो है एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून और मसूरी के बीच के कई छोटी पहाड़ियों को पूरी तरह काट कर अंधाधुन निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राधिकरण उपाध्यक्ष एमडीडीए व नगर आयुक्त को देहरादून और मसूरी की तलहटी पर किए गए फुट हिल पॉलिसी के खिलाफ गैरकानूनी निर्माण को सील कर 27 मई तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 मई की तिथि निश्चित की है। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से फोटोग्राफ के माध्यम से उच्च न्यायालय को दिखाया गया कि कैसे पहाड़ी दर पहाड़ी को काट कर धड़ल्ले से असंतुलित विकास की आड़ में छोटी छोटी पहाड़ियों का काटा जा रहा है। आपको बता दें, याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड के निर्माण नीति में 2015 के संशोधन के प्रस्तर 4 के अनुसार 30 डिग्री की अधिक ढल पर निर्माण की इजाजत नहीं है। यह जनहित याचिका देहरादून निवासी रीनू पॉल द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि देहरादून और मसूरी की तलहटी के बीच में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती थी, हिलॉक्स होते थे, उनको बिल्कुल दर्दनाक तरीके से काट कर, उनको पूरी तरह से उजाड़ कर वहाँ पर अनियंत्रित निर्माण किया जा रहा है जो गैरकानूनी है। क्योंकि 2011 की बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से और जून में 2015 में संशोधन हुआ, उनके अनुसार 30 डिग्री से अधिक की स्लोप पर निर्माण करना निषेधित है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन और नगर आयुक्त देहरादून नगर निगम को कहा गया है कि वह एक रिपोर्ट प्रेषित करें 27 तारीख तक। यह जनहित याचिका देहरादून निवासी रीनू पॉल द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि देहरादून और मसूरी की तलहटी। मंगलौर में कोरोना के चलते दर्जनों मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, तो वहीं क्षेत्र में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने की मांग की जा रही है। सरकारी मदद न मिलने के बाद कांग्रेस से मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपने निजी खर्चे से मंगलौर क्षेत्र के बारात घर को ऑक्सीजन सेंटर बनाने की पहल की है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव आए हुए व्यक्ति को आइसोलेशन के दौरान ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो तत्काल ऑक्सीजन सेंटर में जाकर कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनका इलाज किया जा सके। एक ऑक्सीजन सेंटर में एम्बुलेंस आने तक और अन्य हॉस्पिटल में व्यवस्था होने तक मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी। इस ऑक्सीजन सेंटर में सीएचसी मंगलौर के चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन की इस पहल से लोगों में एक आस जगी है। संक्रमित मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ते ही जा रहे हैं। बात करें ऑक्सीजन की या बेडों की, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें बेडों और ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, जिससे काफ़ी मौतें भी हो रही हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर से कुछ दूरी पर स्थित आर के फार्म में ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक बारात घर है
आर के फार्म के नाम से है। यहाँ कुछ ऑक्सीजन पॉइंट्स तकरीबन 7 ऑक्सीजन पॉइंट की व्यवस्था की गई है इमरजेंसी के लिए। इसकी देखरेख के लिए मंगलोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर भूपेंद्र हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। सर यहाँ किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए ये जो हमारे विधायक है काजी निजामुद्दीन, उनके सहयोग से और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ये एक स्टैंड बाय पर्पज़ के लिए रखा गया है। सपोज़ मतलब कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, हम उसको होम आइसोलेशन कर दे रहे हैं, बट 3 या 4 दिन बाद जब उसको सिम्टम आ रहे हैं, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो उसके देखते हुए क्योंकि ऑक्सीजन कहीं अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए ये बनाया गया है कि स्टैंड बाई पे हम 2-3 घंटे तक, जब तक हम अपने रेफरल्स यूनिट में या रेफरल सेंटर पे उनके लिए बेड या ऑक्सीजन की सुविधा अवेलेबल नहीं हो जाती, सपोज़ किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो 2 घंटे में एम्बुलेंस आ रही है, तो तब तक वो यहाँ स्टैंड बाई पे ऑक्सीजन ले सकता है। यहाँ ऑक्सीजन की ही सुविधा है, ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान ना जाए, इसीलिए इस पर्पज से ये यहाँ पे बनाया गया है। तो डॉक्टर भूपेंद्र का यह कहना है कि यहाँ इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, काजी नवाजुद्दीन के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इस महामारी में लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि महामारी में लोगों का साथ दें, उचित दूरी बनाए रखें और सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद मंगलोर। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं, जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं, आप घर बैठे www.esanjeevniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं, अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी के नगर पालिका बड़कोट से है, जहां उत्तराखंड ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व में यमुनोत्री विधानसभा से प्रत्याशी रहे संजय डोभाल ने नगर पालिका बड़कोट के हॉस्पिटल में डॉक्टरों, कर्मचारियों व सफाई कर्मचारियों सहित नगर में कई लोगों को इस कोरोना काल में सामग्री उपलब्ध कराई। इसके साथ ही सैनिटाइजर और ग्लूकोज उपलब्ध करवाया। इस सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर, अस्पताल कर्मचारियों और सफाई कर्मियों ने इन सभी लोगों का आभार जताया। बासपुर में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते कब्रिस्तान में लगे पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बासपुर के ग्राम जोगीपुरा निवासी अशोक कुमार बुधवार सुबह ग्राम नंदपुर के टोपा में बने कब्रिस्तान में पहुंच गए, जिसके बाद अशोक कुमार ने कब्रिस्तान में चादर लेकर पास में बनी मजार के बाहर लगे पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही कब्रिस्तान में आत्महत्या करने की लोगों को सूचना मिली, वैसे ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली संजय पांडे पुलिस टीम के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।
है जो कि जोगीपुरा बन्ना खेड़ा का रहने वाला है। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने कब्रिस्तान एनिटोपा में आके फांसी लगा ली है। इस सूचना में पुलिस मौके पर पहुंची और जो शव है उसको कब्जे लिया, इस पर उसका पंचायतनामा भरा और आगे की कार्रवाई जो कि पोस्टमार्टम की है वो कराई जा रही है। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां चुनाव नतीजे आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसा को लेकर डोईवाला भाजपा ने आक्रोश जताया है। डोईवाला एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की गई। आज भाजपा कार्यकर्ता डोईवाला तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने बंगाल हिंसा को लेकर आपत्ति जताते हुए टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विनय कुंडवाल और भाजपा जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि बंगाल में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिसका बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से विरोध करते हैं। इस संबंध में आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की गई है। देखिए, भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक चुनी हुई सरकार वहाँ के अपने स्वयं के नागरिकों का नरसंहार कर रही है। पिछले 24 घंटे में जैसे हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं 11 कार्यकर्ताओं की हत्या करी है, कई दुकानों पे लूटपाट करी है, घरों में आग लगा दी गई है, कार्यालय में आग लगा दी गई है। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चुनी हुई सरकार, एक निर्वाचित सरकार ऐसा कर रही है और हम सब भाजपा कार्यकर्ता इसी घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसी तानाशाही सरकार को, ऐसी क्रूर सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।